सभी की स्नेह भरी याद और प्यार लेते हुए बाबा के पास जब आज के दिन का भोग स्वीकार कराने के निमित्त बाबा ने वतन में बुलाया, आज के दिन वतन की तो रौनक ही और थी और वतन में बाबा हम सब का स्वागत कर रहे थे। परंतु बाबा के साथ साथ आज मैंने देखा कि हमारी दादी जी भी जैसे हम सब का इंतज़ार कर रही थी और स्वागत कर रही थी। तो दादी और बाबा मुस्कुराते हुए हम सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे और हम सब बच्चे भी एकदम लवलीन होते हुए बाबा से दादी से न केवल प्रेम भरी पर बहुत बहुत शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए कुछ क्षणों के लिए नैन मुलाकात होती रही। और उसके बाद जब बाबा ने मेरे को देखा, दृष्टि दी, तो नेत्रों से ही मैंने बाबा को सबका याद प्यार दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आज वतन में बाबा सभी बच्चों को आह्वान करके बुला रहे हैं क्योंकि आज बाबा वतन में भी मेला करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ मिलन मेला हो रहा है, वैसे बाबा वतन में भी चाहते हैं। तो ऐसे कुछ क्षणों के बाद मैंने देखा कि जैसे हम सभी जितने भी थे वहाँ तो सभा की तरह नहीं बैठते ना, जैसे यहाँ बैठे हैं, वहाँ तो अनेक तरह का ही दृश्य होता है। तो जैसे एक फरिश्ते कहो या परी कहो, तो आप देखेंगे ना हमेशा पंख हिलते हैं और उड़ते रहते हैं। तो जैसे बहुत हरेक का बहुत सुंदर रूप था, परियाँ जैसे परियाँ भी लग रही थी, फरिश्ते हम कहते हैं। तो ऐसे सभी जैसे बहुत उमंग उत्साह में झूम रहे थे और झूम करके बाबा के आसपास जैसे बहुत सुंदर रास भी चल रही थी। तो सुंदर रूप से सभी रास करते रहे। फिर मैंने कहा, देखो बाबा, आज तो हम दादी के लिए भोग लाए हैं, आपके लिए भोग लाए हैं। तो बाबा ने उस समय पर दादी गुलजार को कहा कि तुमको अपनी सखियाँ भी बुलानी है ना, अपनी सखियों को भी बुलाओ। तो दादी ने कहा, बाबा आप बुलाओ। तो जैसे ही बाबा ने इशारा किया, अब कहाँ से पहुँचे, लेकिन देखा कि दादी की सभी सखियाँ वहाँ पर पहुँच गई। फिर बाबा ने दादी गुलजार को पहले भोग स्वीकार कराया, फिर सभी को ही। तो मैंने कहा, बाबा आपके लिए भी। तो मैंने बाबा को स्वीकार कराया। तो ऐसे कुछ क्षणों के लिए ऐसा दृश्य रहा। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो, दादी ने सभी का, न केवल बाबा ने उनका जो पार्ट था ड्रामा में वो चला, परंतु उन्होंने स्वयं भी अपने पुरुषार्थ से, अपनी स्थिति से, अपने स्वरूप से, जैसे कि वो जैसे प्रत्यक्ष किया अपनी स्थिति से। तो बाबा ने कहा कि एक विशेषताएं और गुण तो बहुत थे, पर एक था वो सरल चित्त। उनका चित्त बहुत सरल था।
और क्योंकि चित्त सरल था तो हमेशा साफ रहता था और उनके लिए सब कुछ सहज था। कभी भी दादी ने ये नहीं कहा ये तो मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये तो असंभव है, कभी भी दादी के मुख से ये शब्द नहीं निकले। सरल चित्त के कारण सरल स्वभाव था और बाबा ने कहा वो एक स्वाभाविक नेचुरल सहज योगी थी। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर बाबा की तरफ से सभी बच्चों को बाबा एक डायरेक्शन कहो या इशारा दे रहे हैं, तो उस पर दादी के साथ बाबा ने कहा तो क्या करना है। बाबा ने कहा कि चाहे हर हफ्ते चाहे हर महीने सभी एक स्थिति को लेकर न केवल अभ्यास करना है परंतु अपना स्वरूप लेके सारे विश्व में उसी तरह का प्रोग्राम करो। जैसे साकार बाबा के दिनों में भी एक बार बाबा ने कहा योग का प्रोग्राम होना चाहिए, तो सब जगह योग के प्रोग्राम चलते थे। लेकिन अभी जैसे दादी के सामने जो भी आता था उसको उस प्रकार का साइलेंस का अनुभव, शांति का अनुभव, दादी की दिव्यता का अनुभव, वो सब अनुभव होता था। वर्तमान समय सारे विश्व को अनुभव कराने की ज़रूरत है और वो अनुभव कैसे होगा। बाबा ने कहा सुनना बोलना ये तो सब बहुत हुआ, लेकिन अब है बनना और बनाना, स्वयं भी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, तो आप सभी एक ही स्थिति बना के कोई भी 2 घंटे 3 घंटे कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो सारे विश्व में। तो बाबा ने कहा न केवल उसकी पब्लिसिटी होती है, वातावरण बनता है, पर एक रियल तरीके से सबको इस तरह का अनुभव हुआ। तो बाबा दादी को देख रहे थे, दादी ने कहा हाँ मैं भी जाऊँगी। दादी कहती है मैं भी चलूँगी। तो हमने कहा दादी हमें तो बहुत खुशी होगी, आप भी आएंगे ऐसे प्रोग्राम पर। तो ऐसे करते हुए दादी चिट चैट कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा दादी आप बाबा जो संकल्प दे रहे हैं वो तो सबको सुनाएंगे और कुछ तो प्लानिंग होगी, लेकिन हमें तो ये खुशी है कि आप भी हमारे साथ होंगे। फिर जैसे कि दादी बाबा सब जितने भी पूर्व आत्माएं थे सभी ने कहा कि हम सभी भी सहमत हैं कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कहा बाबा एक ही प्रश्न सभी मेरे से पूछते हैं दादी कहाँ हैं। तो मैंने कहा दादी को कि बाबा तो बताते नहीं हैं, आप बताइए आप कहाँ हैं। बोला ये प्रश्न क्यों पूछते हैं। मैंने कहा मालूम नहीं है। तो मेरे से कहा तुमको भी ये प्रश्न है क्या। मैंने कहा नहीं। तो दादी ने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ, तो ऐसे संकल्प क्यों आने चाहिए बच्चों को। दादी कहाँ हैं, बाबा के साथ हैं। अंत तक सभी पूर्वज आत्माएं, आप सभी बच्चे सब इस स्थापना के कार्य में मददगार बच्चे सभी एक ही संगठन में अव्यक्त रूप से बाबा के पूरी तरह से मददगार हैं। तो बाबा ने कहा ये मत पूछो। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि दादी कहाँ है या फलानी दादी कहाँ है, तो उनका सभी बाबा के साथ है। बस यही कहो बाबा के साथ हैं और बाबा की पूरी मददगार हैं और अंत समय तक सभी इकट्ठे रहेंगे और मददगार रहेंगे। एक बात बाबा और दादी फिर भी ध्यान पर देते हैं बच्चों के कि एक मत श्रीमत, ज़रूरी नहीं कि 8 की ही माला है। अगर सभी एक मत हैं, एकता है, तो बाबा ने कहा कि
एक बहुत बड़ी माला सारे विश्व की बन रही है और बनेगी। तो बाबा और दादी ने जैसे वरदानी हाथ ऐसे करके बाबा ने, दादी ने भी की अव्यक्त रूप से, जैसे वरदानी हाथ दिए, वरदानी दृष्टि थी और साथ साथ वरदानी बोल, बच्चे सदा एक रस और एक मत, एक रस स्थिति हो और एक मत हो, ऐसा बाबा सभी बच्चों को वरदान देते हैं। और दादी ने भी वरदानी हाथ से सभी को बहुत बहुत वरदान देते हुए फिर से साइलेंस में दृष्टि देते हुए सबके लिए याद प्याला दिया और मैं वापस यहाँ पर आ गई। ओम शांति।